आपके सामने हमारे बीच में यहाँ अशोक शर्मा जी बहुत ही काबिल दोस्त हैं, बहुत अच्छे उर्दू की पोइट्री जानते हैं, बहुत अच्छी उर्दू की ज़बान को बोलते हैं, गज़लों और नज़मों का क्या कहिएगा, इतना अच्छे से उसको गाते और हमें सुनाते हैं। मैं चाहूँगी कि वो उनको यहाँ बुलाया जाए, आपसे रूबरू कराया जाए। जी हाँ, अशोक शर्मा जी को दावत देती हूँ कि वो थोड़ी देर के लिए मंच पर ज़रूर आएँ, तशरीफ़ लाएँ। ज़ोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल कीजिए। नमस्कार दोस्तों, ये अगला नगमा जो अब आप सुनने जा रहे हैं, इसको इंट्रोड्यूस करने की जिम्मेवारी मुझे दी गई। दरअसल ये एक नगमा नहीं, एक गज़ल है, और ये गज़ल एक बहुत ही बेहतरीन एल्बम से ली गई। ये एक ऐसी नायाब एल्बम थी जो कि अपनी किस्म की अकेली रही, क्योंकि इस एल्बम को एक तो नॉन फिल्मी गज़लों से कंपोज किया गया, और दूसरा पहली बार लता जी ने जगजीत सिंह जी के साथ में ये एल्बम रिकॉर्ड की थी। इस एल्बम में बहुत सी सोलो भी थी, ड्यूएट्स भी थी। आज एक ड्यूएट गज़ल इस एल्बम से मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। इस एल्बम को 1991 में लॉन्च किया गया था, और ये जो नगमा आप सुन रहे हैं, जो गज़ल आप सुन रहे हैं, इसके शायर थे जनाब शाहिद कबीर। इस एल्बम को भी बनने में जो सबसे ज़्यादा बड़ी फोर्स रही वो थी संजीव कोहली साहब की, जो मदन मोहन साहब के बेटे थे, और मदन मोहन साहब ने जितना लता जी से बेहतरीन गज़लें गवाईं फिल्मों में, वो आप जानते हैं, आपने सुनी है और आज भी सुन रहे हैं। तो आज की इस गज़ल को मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ। इसमें लता जी का पार्ट गाने के लिए मैं दावत देता हूँ डॉक्टर शिखा श्रीवास्तव जी को। शिखा जी आप आएँ। ये लता जी की जो है अल्फाजों को ये गुनगुनाएंगी, और जगजीत सिंह जी की आवाज़ को देने के लिए उससे बेहतर कोई इंसान मेरी नज़र में नहीं आया। मैं दावत देता हूं जगजीत सिंह साहब के छोटे भाई सरदार करतार सिंह जी को, वो स्टेज पे आएं और ये जो है गज़ल आपको दोनों ड्यूएट मिलके सुनाएंगे। इस गज़ल का मुखड़ा है गम का खजाना तेरा भी है मेरा भी, ये नजराना तेरा भी है मेरा भी। ये गम के खजाने पे एक शेर चलते चलते सुना दूं, उसके बाद में मैं इनके बीच में नहीं रहूंगा। तो गम के खजाने पे वो कहता है कि प्यार की दौलत गम नहीं है, प्यार की दौलत गम नहीं है, गम की दौलत प्यार है, इसकी कदर तो कोई पूछे इस दिले बेकरार से। जनाब ये तो मेरे साथ अक्सर होता है, अब पता नहीं क्यों होता है, मुझे नहीं पता।
तुझको अरज़ू मैं तुझको समझाऊं क्या तू मुझको जगजीत सिंह जी की। जी हाँ, वैसे ही हमें सुनने को मिला, बहुत अच्छा गाया।